हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉलेज एंड करिकुलम के फोर्थ यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे और आज जानेंगे पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से। पाठ्यक्रम की जो भी पॉइंट छूट गई थी, जैसे उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, हर एक चीज़ जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करिकुलम का अर्थ क्या होता है और करिकुलम की उत्पत्ति क्या होती है। तो देखिए, पाठ्यक्रम क्या है और हिंदी में बात करेंगे, पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। जैसे कि क्या, कब और कैसे पढ़ाना है, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। पाठ्यक्रम होता क्या है? पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं और जिसकी उत्पत्ति लैटिन के क्यूरेरे शब्द से लिया गया। यहाँ पे क्यूरेरे की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, QRRE, इसको क्यूरेरे कहते हैं। क्यूरेरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात दौड़ का मैदान। विद्यार्थियों द्वारा इस रेस में हिस्सा लिया जाता है। अभिप्राय छात्र को अपने पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय में समस्त कार्य। जिस प्रकार एक धावक, एक दौड़ने वाला व्यक्ति अपने दौड़ के मैदान में बनी सीमाओं के अंदर रह के अपना दौड़ता है, बनी सीमाओं के अंदर रह के अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने गोल की तरफ बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार एक पढ़ाने वाला शिक्षक और पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के तय सीमाओं के अंदर रह के ही अध्ययन करते हैं। तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या हो गया कि आपको सुबह स्कूल कब आना है से लेके कब जाना है, सारी चीज़ें करिकुलम का हिस्सा होती हैं। आपको एक तय सीमा दे दी जाती है कि इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको पढ़ना है और इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको पढ़ाना है। आगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मीनिंग ऑफ करिकुलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मेंशन है कि करिकुलम क्या है, एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पे चल के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, ठीक है। और अगला दिखा है कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपनी अधिगम कार्य करते हैं, पाठ्यक्रम द्वारा ही विषय को क्रमबद्ध किया जाता है। यहाँ तरीका का पाठ्यक्रम के द्वारा ही क्या करते हैं भाई, विषय को क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम क्यों जरूरी है, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए ही किसी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, ओके। पाठ्यक्रम के अर्थ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों को हम पाठ्यक्रम के रूप में ही देखते हैं। मतलब चाहे आपका 15 अगस्त का फंक्शन हो गया, 26 जनवरी का फंक्शन हो गया, कहीं ट्रिप पे जाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होती हैं। तो ये हो गया पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम के अर्थ में आपने क्या जाना कि पाठ्यक्रम की उत्पत्ति थी लैटिन के क्यूरेरे वर्ड से ली गई है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, अर्थात जैसे जिस प्रकार धावक दौड़ के मैदान में तय सीमाओं के अंदर दौड़ता है, उसी प्रकार छात्र और विद्यार्थी तय पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपना अध्ययन करते हैं। उसके आगे लिए अपने लिखते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा का आधार होता है, इसी की राह पर चल के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा आपने क्या देखा कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपनी अधिगम करते हैं और पाठ्यक्रम के द्वारा ही विषय को क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपने देखा कि समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय में आयोजित होने वाली समस्त कार्य को हम पाठ्यक्रम के रूप में देखते हैं। तो ये हो गया पाठ्यक्रम का अर्थ। अब पाठ्यक्रम की परिभाषा की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, देखिए आपको हम यहाँ पे चार डेफिनेशन परिभाषाएं बता रहे हैं। कनिंगम का बेस्ट है, इसको थोड़ा रुक के देखेंगे। पहले ये देख लीजिए कि पाठ्यक्रम के बारे में हॉर्न महोदय ने क्या कहा था। हॉर्न महोदय ने कहा था कि पाठ्यक्रम वो है जो बालक को पढ़ाया जाता है या शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक इससे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाठ्यक्रम, और देखिए ये एक कन्फ्यूजन हो जाता है पाठ्यक्रम और सिलेबस में। तो पाठ्यक्रम के बारे में हॉर्न महोदय ने कहा कि पाठ्यक्रम वो है जो बालक को पढ़ाया जाता है या शांतिपूर्ण से पढ़ने या सीखने से अधिक इससे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये डेफिनेशन आप देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा था कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाली बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु इसके अंदर वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। वो सारी चीज़ें, सारे अनुभव जो कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर प्राप्त हों, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं। मुनरो जी ने क्या कहा था, मुनरो जी ने कहा था कि पाठ्यक्रम में वो सब क्रियाएँ सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। वो सारी क्रियाएं जो हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में यूज़ करते हैं, वो सारी क्या होती है भाई, पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। लास्ट और द बेस्ट आपको किसी ने डेफिनेशन दिया है, तो वो कनिंघम ने दिया था। कनिंघम ने क्या बखूबी डेफिनेशन दिया, उन्होंने क्या कहा जरा इसको ध्यान से देखिए।
पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। आपको पहले ये चित्र मैं दिखा दूँ, चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ क्या कर रहा है, एक आर्टिस्ट अपने टूल्स से एक पेंटिंग बना रहा है। और जिस प्रकार एक आर्टिस्ट अपने टूल्स से अपने औजारों से एक पेंटिंग बनाता है, कनिगम ने बखूबी वैसे ही डेफिनेशन दिया है। लेकिन यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है? यहाँ पे आर्टिस्ट एक टीचर है। और यहाँ पे उसका टूल्स क्या है? टूल्स उसका करिकुलम है। और जो यहाँ पे वस्तु जो पेंटिंग बना रहा है वो क्या है भाई? वो है स्टूडेंट, वो है छात्र। इसी चीज़ को कनिगम ने कहा था कि जिस प्रकार से कलाकार यानी कि शिक्षक अपने हाथ से, यह पाठ्यक्रम एक साधन है, मतलब कलाकार सॉरी पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वो शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को अपने आदर्शों के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। ठीक है, तो जिस प्रकार एक कलाकार के हाथ में एक टूल्स है जो अपने आदर्शों के अनुसार पेंटिंग बनाता है, ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम क्या है, एक शिक्षक के हाथ में टूल्स है जिसके द्वारा अपने आदर्शों के अनुसार अपने विद्यार्थियों को वो ढाल लेता है। तो ठीक है, कनिगम का ये डेफिनेशन वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है। अब आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं। अब बताइए, पाठ्यक्रम में सबसे पहले तो पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, मतलब समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए या स्कूल को भी लगता है, तो वो चीज़ें क्या होती है भाई, वो उससे चेंज होती रहती हैं। तो पहला क्या भाई, पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। दूसरा क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। चौथा तीसरा पॉइंट क्या है कि पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ये पाठ्यक्रम की विशेषताएं आप देखते जाइए। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति की वृद्धि होती है, मतलब प्रॉब्लम से आपको लड़ना कैसे है, प्रॉब्लम्स को आपका सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो ये पाठ्यक्रम से उसको क्या बोलती है भाई, उससे उसकी वृद्धि हो जाती है। पाठ्यक्रम का निश्चय क्या है, पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं की का विकास किया जाता है, मतलब करिकुलम से ही उनके दिमाग का, उनके एक्टिविटीज़ का, उनकी फीलिंग्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा भी आप चाहे तो इसकी विशेषताएँ लिख सकते हैं कि करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है, कि पाठ्यक्रम ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है कि बच्चों को शिक्षा का महत्व बताता है। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यक्रम की विशेषता है कि बच्चों को सही समय का महत्व बताता है। ठीक है, और कोऑपरेशंस की वैल्यू बताती है, कोऑपरेशन का मतलब एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करके चलना है, इसकी वैल्यूज़ आपको समझ में आ जाती है। तो ये करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम की हिस्सा हो गई, विशेषताएँ थी। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम का उद्देश्य। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और यकीन रखनी ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं, पाठ्यक्रम हमने बनाया क्यों जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को ज्ञानात्मक भावात्मक में क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को का नैतिकता एवं चरित्र का विकास करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम से हमें उनकी नैतिकता और उनके चरित्र का भी विकास करते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है, समाज के लिए उनको जागरूक करना है विद्यार्थियों को। और पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना है भाई, मतलब वो कैसे अपने डेली नीड्स और जीवन की ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें, वो कैसे उस लायक बन जाए कि वो खुद से कुछ जीविकोपार्जन कर सके, तो पाठ्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य होता है। और छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम करिकुलम बना देते हैं तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं, और छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाने के लिए, छात्र और अच्छे बने, और अच्छे बेस्ट पे बेस्ट बने, इसके लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के उद्देश्य हो गए। अगर मान लीजिए पाठ्यक्रम का महत्व पूछ दे, तो पाठ्यक्रम के महत्व में भी आपको ऐसे ही लिखना है। और पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए कि पाठ्यक्रम को यूज़ क्यों किया जाता है, तो पाठ्यक्रम का यूज़ भी इसीलिए किया जाता है ताकि ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, मतलब आपको यहाँ पे चीज़ें समझ जानी है। और चाहे उद्देश्य पूछे, चाहे आपका महत्व पूछे, चाहे उपयोगिता पूछे, आपको इनसे ही बना के लिखना है। अगर उपयोगिता पूछे तो आप लिखिए कि पाठ्यक्रम का इस्तेमाल हम ज्ञानात्मक भावात्मक के विकास के लिए करते हैं, इन्हीं में से आपको बना के लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कि पाठ्यक्रम का निर्माण किया कैसे जाता है, उनको पाठ्यक्रम को कैसे आप निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले क्या भाई, पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्षों के विकास के आधार पर किया जाता है।
और समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि हमें पाठ्यक्रम बनाना क्या है, और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि का विकास होता है, ठीक है, मतलब टीचिंग मेथड को हम क्या करते हैं उसमें डेवलप करते हैं। और पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद मूल्यांकन भी किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में मूल्यांकन क्या हो गया, वह हिस्सा है। और दूसरा, पाठ्यक्रम के निर्माण में विषय योग्य एवं बुद्धिजीवों द्वारा किया जाता है, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, ये पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है। और तीसरा, पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं दार्शनिक आधारों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्र के बौद्धिक विकास में लाभदायक हो। मतलब पाठ्यक्रम निर्माण में आपको ऐसे उद्देश्यों का चयन करना है जो छात्रों के बौद्धिक विकास में क्या हो दोस्तों, लाभदायक हो। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा कि पाठ्यक्रम के निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, पाठ्यक्रम का उद्देश्य कह दीजिए, या फिर पाठ्यक्रम का आप महत्व कह लीजिए, या पाठ्यक्रम की उपयोगिता, आपको इसमें से ही लिखना है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमने देखा, इसके अलावा हमने पाठ्यक्रम की विशेषताएं देखी, ठीक है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं, और इसके अलावा हमने देखा पाठ्यक्रम के परिभाषा। तो पाठ्यक्रम के परिभाषा में चार, कनिंगम, हॉर, महोदय और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार और मुनरो के अनुसार, हमने ये चार परिभाषाएं देखी। और पाठ्यक्रम का अर्थ विस्तृत रूप से जाना। तो देखिए, आपके सिलेबस में आपने अर्थ पढ़ लिया, इसकी परिभाषा पढ़ ली, इसके उद्देश्य पढ़ लिए, और इसके प्रिंसिपल सिद्धांत तो नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया आपने पढ़ ली। अब आपकी दो चीज़ें रह जाती हैं, कौन सा, टाइप्स ऑफ करिकुलम की वीडियो आपकी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विस्तृत रूप से बात की गई है, वो देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट क्या रह जाता है भाई, कि इसके निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ एक प्लेलिस्ट होगा कि नॉलेज एंड करिकुलम पेपर वन यूनिट फोर, वहाँ लिखा होगा पेपर वन यूनिट फोर, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, मेरे सिंपल सी बात क्या है कि आप जब इस चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपको ना किसी के नोट्स से लिखना है, ना किसी के वीडियो के कंटेंट से लिखना है, आपको समझ के अपने शब्दों में लिखना है। तो आप बस इन चीज़ों को समझ जाइए, इसकी शब्दावली को ध्यान में रखिए, इसके वर्ड्स पावर को ध्यान में रखिए, और अपने शब्दों में आप इन सारी चीज़ों को एग्ज़ाम्स में लिख के आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और पाठ्यक्रम निर्माण के प्रकार ऑलरेडी बताया जा चुका है, वो भी देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, जुड़ जाइए चैनल से दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। एक चीज़ तो मैंने कहा ही नहीं, वो है सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप स्वयं ही सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।